दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे अगर आपको WhatsApp पे कोई मैसेज करता है उस मैसेज को डिलीट फॉर एवरीवन कर देता है गाइस तो उसको कैसे आप रिकवर कर पाएंगे। यहाँ दोस्तों अगर आपको यहाँ पे WhatsApp कोई मैसेज करता है और बाद में उसको लगता है कि भाई ऐसा मैसेज हमें नहीं भेजना चाहिए था, वो बाद में वो डिलीट फॉर एवरीवन कर देता है आपके देखने से पहले, तो आपको कहीं ना कहीं ये होता है कि भाई ये मैसेज मुझे देखना है, क्या मैसेज था, कैसे था, तो हम चाहते हैं इसको देखना, लेकिन भाई डिलीट फॉर एवरीवन हो जाने के बाद में हम मैसेज को देख नहीं पाते। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप इसको फिक्स कर सकते हैं। लेकिन गाइज यहाँ पे इस वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपको बता दें अगर आप इस वीडियो पे नए आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। यहाँ पे गाइज मैं आपको दो मेथड बताऊंगा, एक मेथड जो है अगर आप में वर्क नहीं करता है तो दूसरा मेथड यहाँ पे आप में 100% वर्क करेगा। तो पूरी वीडियो आपको देखनी है ताकि आप दोनों मेथड यहाँ पे समझ सकें कि कैसे आपको यहाँ पे डिलीटेड व्हाट्सएप मैसेज को देखना है। तो पहला जो मेथड है गाइज इसके लिए आपको जाना होगा गाइज अपने फोन सेटिंग्स में, और यहाँ पे गाइज आपको अपने फोन सेटिंग्स में जो सेटिंग मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको यहाँ पे लिख के सर्च करना है। तो यहाँ पे गाइज आपको लिखना है नोटिफिकेशंस, यहाँ पे जी हाँ दोस्तों नोटिफिकेशंस आपको लिख के सर्च करना है। और जैसे गाइज आप जो यहाँ पे नोटिफिकेशन लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पे एक आएगा नोटिफिकेशन हिस्ट्री का ऑप्शन, आप डायरेक्टली नोटिफिकेशन हिस्ट्री लिख के भी सर्च कर सकते हैं, नहीं तो आप केवल नोटिफिकेशन लिखेंगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन से रिलेटेड आपकी सारी सेटिंग्स जो है आ जाएगी। आपको सिंपली यहाँ पे नोटिफिकेशन हिस्ट्री पे जाना है और फिर से आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन हिस्ट्री दिखेगा, आपको फिर से अगेन से इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे गाइज आपको सारे नोटिफिकेशंस देखने को मिल जाएंगे, जो जो भी नोटिफिकेशन आपके एप्लीकेशन में आते हैं भले ही वहाँ से उसने कुछ भी डिलीट कर दिया हो लेकिन आपके जो व्हाट्सएप मैसेज है यहाँ से आपको दिखेंगे। बस आपको ये नोटिफिकेशन हिस्ट्री वाली जो सेटिंग है इसको आपको ऑन करके रखना होगा। जैसे ही आप इसको ऑन करके रखेंगे तो यहाँ पे आपको हर एक ऐप देखने को मिल जाएगा और उस ऐप पे जो कुछ भी नोटिफिकेशन आया होगा सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इट मीन्स जब भी वो मैसेज आपको करेगा तो वो उसका नोटिफिकेशन आपको आएगा और वो नोटिफिकेशन यहाँ पे आके सेव हो जाएगा। अब ये सेटिंग नॉर्मली ऑफ रहती है, इसको आपको ऑन करना पड़ेगा। अगर ये ऑफ रहेगी तो आपका नोटिफिकेशन कुछ भी आएगा वो यहां पे सेव नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो आपका नोटिफिकेशन जो है मैसेज जो भी आएगा वो सेव हो जाएगा, और अगर वो वहां से मैसेज डिलीट भी कर देगा तो आपका यहां पे सेव्ड नोटिफिकेशन में आपका मैसेज दिखेगा और आप सक्सेसफुली उसके मैसेज को पढ़ पाएंगे। अब जो दूसरा यहां पे गाइस जो मैं तरीका बताने वाला हूं उसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों में जो है ये मेथड जो है यहां पे नोटिफिकेशन हिस्ट्री का ऑप्शन नहीं होता है सेटिंग में। तो आपके फोन में अगर यहां पे नोटिफिकेशन हिस्ट्री का ऑप्शन नहीं है तो आपको प्ले स्टोर पे एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, WAMR लिख के यहां पे सर्च कर लेना और गाइस इसको यहां पे डाउनलोड इंस्टॉल कर लेना। तो चलिए फटाफट इसको डाउनलोड इंस्टॉल कर लेते हैं फिर आगे की सेटिंग आपको हम बता देते हैं। तो यहाँ पे गाइस हमारा जो WAMR एप्लीकेशन है इंस्टॉल हो चुका है गाइस, इसको सिंपली ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद में यहाँ पे कुछ प्राइवेसी पॉलिसी होगी एक्सेप्ट कर लेना है, कुछ परमिशंस होंगे जिनको आपको यहाँ पे अलाउ करते जाना है। आपको यहाँ पे सबसे पहले नोटिफिकेशन एक्सेस की परमिशन देना है, इसके बाद में यहाँ पे गाइस आपको सिंपली उन एप्लीकेशन को यहाँ पे सिलेक्ट करना है जिनका नोटिफिकेशन आप चाहते हैं, जिनके मैसेज आप चाहते हैं कि हमेशा सेव रहें। तो अगर आप WhatsApp का चाहते हैं तो सिंपली WhatsApp पे क्लिक कर देना, उसके बाद में फिर एरो पे क्लिक कर देना, फिर यहाँ पे WhatsApp की एक और परमिशन आएगी जिसमें आपको फोल्डर सेलेक्ट करना है, यूज़ दिस फोल्डर पे जाना, अलाउ कर देना, और यहाँ पे मीडिया कंटेंट को भी अलाउ कर देना ताकि जो कुछ भी यहाँ पे फोटो वीडियो हो सब कुछ यहाँ पे आपका आ जाए। अब यहाँ पे सक्सेसफुली गाइस आपकी सारी सेटिंग्स हो चुकी है, अब जो भी नोटिफिकेशन आएगा यहाँ पे सेव होता रहेगा, जो भी मैसेजेस आएंगे सब कुछ यहाँ पे सेव हो जाएगा। और इसके बाद में अगर वहाँ से कोई मैसेज डिलीट भी हो जाता है या आपसे ही गलती से डिलीट हो जाता है तो भी आपका मैसेज डिलीट नहीं होगा। यहाँ से जब तक आप डिलीट नहीं करेंगे आपके सारे मैसेजेस यहाँ से दिखेंगे, आप सक्सेसफुली इनको रिकवर कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, दोनों मेथड आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, मिलते किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।